ए बी सी, ये तीन पॉइंट्स हैं हमने, ये सर्कल के पॉइंट्स हैं, हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। जिस तरह पहले इक्वेशन दी होती थी तो हम सेंटर या रेडियस फाइंड करते थे सर्कल का, तो अब ये पॉइंट्स हैं, मतलब एक्स एंड वाई की वैल्यू दी हुई है। अब हमने इनको बारी बारी जनरल इक्वेशन में पुट करके फिर मतलब हमारे पास ये थ्री पॉइंट हैं, तो थ्री इक्वेशन आ जाएंगी। हम उनको प्लस माइनस करेंगे, वहाँ से जी एफ एंड कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो फिर हम इस जनरल इक्वेशन में एफ जी एंड कांस्टेंट की वैल्यू इसी में पुट करेंगे, इसी इक्वेशन में। तो फिर हमारे पास सेंटर ऑफ सर्कल की जो इक्वेशन, उन्होंने कहा है कि राइट एंड इक्वेशन। तो इन थ्री पॉइंट्स को इस इक्वेशन में पुट करके हमें जो और इक्वेशन मिलेगी वो इस सर्कल की इक्वेशन होगी, जिस सर्कल के ये थ्री पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो हम पहले जनरल इक्वेशन में इनको बारी बारी पुट करेंगे, क्योंकि ये एक्स की वैल्यू है और ये वाई की, सब में एक्स एंड वाई की वैल्यू बताई हुई है तीनों पॉइंट्स में। तो पहले हम ए पॉइंट को लेते हैं। ए पॉइंट में मतलब इस जनरल इक्वेशन में हम एक्स एंड वाई की जगह पे ये वैल्यू पुट करते हैं, मतलब ये जो ए है ये एक्स है और ये जीरो वाई है। तो एक्स के स्केयर की जगह पे ए का स्केयर प्लस जीरो का स्केयर, टू जी एक्स की जगह पे ए और वाई की जगह पे जीरो प्लस कॉन्स्टेंट, ए का स्केयर प्लस टू जी ए, ये भी जीरो ये भी जीरो, टू एफ भी जीरो प्लस कॉन्स्टेंट इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन वन हो गई। अब पॉइंट बी, पॉइंट बी को लेते हैं और उसी जनरल इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट करते हैं, मतलब अब ये वाली वैल्यू एक्स एंड वाई की ये वाली वैल्यू पुट करेंगे उस इक्वेशन जनरल इक्वेशन में। जनरल इक्वेशन क्या है, एक्स स्केयर वाई स्केयर टू जी एक्स टू एफ वाई प्लस कॉन्स्टेंट इक्वल टू जीरो। तो एक्स की जगह पे ये वाला जीरो पुट किया, जीरो स्केयर, और वाई की जगह पे ये बी, बी का स्केयर टू जी जीरो टू एफ बी प्लस कॉन्स्टेंट। अब इनको प्लस माइनस किया, मल्टीप्लाई करना है ना पहले, तो जीरो का स्केयर जीरो होता है, बी का स्केयर प्लस टू जी जीरो, जीरो इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होकर जीरो बना दिया, टू एफ बी प्लस कॉन्स्टेंट। अब बी स्केयर टू एफ बी प्लस कॉन्स्टेंट इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन टू बन गई। अब इक्वेशन पॉइंट है सी, जो हमने जनरल इक्वेशन में पुट किया है, तो ये एक्स की वैल्यू है ये वाई की, मतलब दोनों अब पॉइंट्स में बताई गई वैल्यूज एक्स एंड वाई की जीरो हैं। तो हम जहाँ भी एक्स एंड वाई होगा वहाँ जीरो पुट कर देंगे। तो ये जीरो का स्केयर, ये मतलब एक्स का स्केयर प्लस वाई का स्केयर टू जी एक्स टू एफ वाई प्लस कॉन्स्टेंट इक्वल टू जीरो। तो जीरो का एक्स की जगह पे जीरो का स्केयर, वाई की जगह पे भी जीरो का स्केयर प्लस टू जी एक्स टू जी जीरो, मतलब एक्स की वैल्यू टू एफ वाई जीरो, टू एफ जीरो प्लस कॉन्स्टेंट। अब हर जगह पे जीरो आ गया है, क्योंकि जीरो जिसके साथ भी मल्टीप्लाई होता है उसे भी जीरो बना देता है। तो हर जगह ये सारी पूरी इक्वेशन जीरो हो गई कॉन्स्टेंट के अलावा, क्योंकि कॉन्स्टेंट की तो वैल्यू नहीं थी ना। तो सी इज इक्वल टू जीरो, अब हमारे पास कॉन्स्टेंट की वैल्यू आ गई है, कॉन्स्टेंट की वैल्यू आ गई है। तो हम यहाँ पे पुट करते हैं, यहाँ से ये जो हमारे पास इक्वेशन वन बनी थी उसमें हमने कॉन्स्टेंट की वैल्यू फाइंड पुट कर दी है, तो हमें यहाँ से जी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। कॉन्स्टेंट की वैल्यू जीरो पुट की, तो ए स्केयर प्लस टू जी ए इज इक्वल टू जीरो। अब ये वाला ए स्केयर इधर प्लस का है, दूसरी साइड पे जाके माइनस का हो गया, माइनस का स्केयर जी इज इक्वल टू टू ए, माइनस का ए स्केयर ओवर टू ए, ए के साथ ए कैंसिल, माइनस ए बाय टू। अब जी की वैल्यू आ गई ए बाय टू, जो हमने इक्वेशन टू में पुट करनी है। इक्वेशन टू में क्योंकि एफ एफ की भी इक्वेशन टू ये है टू एफ बी, मतलब इसमें एफ बी है। तो हम कांस्टेंट की वैल्यू जब फाइंड इसमें पुट करेंगे तो हमें यहाँ से एफ़ की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो इक्वेशन टू में हम वैल्यू पुट करते हैं कांस्टेंट की, टू एफ बी प्लस कांस्टेंट प्लस बी स्केयर इक्वल टू जीरो। कांस्टेंट की वैल्यू है जीरो, टू एफ बी प्लस जीरो प्लस बी स्केयर, अब बी स्केयर इधर प्लस का है, दूसरी साइड पर जाके माइनस का हो जाएगा, टू एफ बी इज इक्वल टू माइनस बी स्केयर, एफ इज इक्वल टू माइनस बी स्केयर ओवर टू बी, टू बी, बी के साथ बी कैंसिल, माइनस बी ओवर टू। अब ये एफ़ की वैल्यू आ गई है फ्रॉम इक्वेशन वन, मतलब जो जनरल इक्वेशन आई, जिस आई का नाम दिया हुआ है हमने पीछे, तो उस जनरल इक्वेशन में हम जी एंड एफ की वैल्यू पुट करते हैं। एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस कॉन्स्टेंट, जी की जगह पे जी की वैल्यू माइनस ए ओवर टू, ए ओवर टू, और एफ की जगह पे माइनस बी ओवर टू। अब ये वाली वैल्यू पुट की तो टू इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इनके साथ इधर डिवाइड भी हो रहा है एफ एंड जी की वैल्यू में, तो जो मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड के साथ कैंसिल हो जाएगा।
बाकी क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। क्वेश्चन सॉल्व हो गया।